दिल्ली की टीम जिसके हारने की दुआ आरसीबी कर दी है विराट कोहली की बैटिंग पे, उनका ऑफिशियल हैंडल भी ट्वीट करता है #VK18 और वे दिल वाली इमोजी। तो देखिए ये शिखर के चेहरे पे मुस्कान सब कुछ बता रही है, मुझे मैच का हाल बताने की जरूरत ही नहीं है। सो आज की क्रिकबाजी शुरू होगी विराट कोहली से और खत्म होगी विराट कोहली के, बाकी बातें बाद में। सो आज की इनिंग देखकर आप क्या कहना चाहेंगे शिखर? इज दिस द बेस्ट इनिंग ऑफ दिस आईपीएल? ऑफ कोर्स द बेस्ट इनिंग ऑफ दिस आईपीएल, व्हाई नॉट। मतलब वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस कि विराट कोहली, ऊपर से द बेस्ट चीज जो मुझे लगी कि जब मौका बने तब जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा जरूरी है वो उठ के आए और जिताए और वो एक माहौल बनाए दोबारा से। आई नो आरसीबी इज स्टिल इन दैट पोजीशन जहां वो दूसरी टीम पे डिपेंडेंट है, बट इस क्रिकेट गेम की खूबसूरती देखिए आप कि दिल्ली की टीम जिसके हारने की दुआ आरसीबी कर दी है विराट कोहली की बैटिंग पे, उनका ऑफिशियल हैंडल भी ट्वीट करता है #VK18 और वो एक दिल वाली इमोजी आंखों में से जो निकल रही होती है। तो विराट कोहली, मतलब आई जस्ट वांट टू से कि पूरा देश जा रहा था। मैं इंस्टाग्राम पे भी गया, मैं ट्विटर पे भी गया, ठीक है, मैं सब जगह गया विराट कोहली। यार मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आज आरसीबी जीता है, सबसे ज्यादा खुशी फैंस को विराट कोहली के स्कोर बनाने पे होगी क्योंकि उसका सबको इंतजार था, बिकॉज बहुत क्लोज हैं हम अभी एक बहुत बड़े कप के, वर्ल्ड कप के, एंड वी ऑल वांट कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में आ जाए वापस, और ये इनिंग ने बता दिया है। और अभी जो अभी हम मैन ऑफ द मैच वाला जो प्रेजेंटेशन देख रहे थे उसमें विराट कोहली ने बहुत खूबसूरत बात भी करी कि उसे हर्षा भुगले ने पूछा कि जब आपके स्ट्रेचर के प्लेयर्स से इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उस वक्त अगर आप नहीं चलते हैं तो दिल में क्या चल रहा होता है, तो उन्होंने कन्फेस किया, बिल्कुल सही कन्फेस किया। उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त मतलब जब मेरे जैसा प्लेयर जो जिसने इतना कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में और लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशंस है, तो और हर मैच में लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है और उस एक्सपेक्टेशंस को पूरे करने के चक्कर में मेरे जैसे प्लेयर वो प्रोसेस भूल जाते हैं। तो उसने बताया कि मैं वो प्रोसेस को अब दोबारा से फॉलो करना शुरू किया। सो इट्स वेरी गुड कि उसने ऑनेस्टली कन्फेस किया। उसने ये भी बताया कि मैंने 1.5 घंटा प्रैक्टिस की है इस मैच से पहले और वो दिख रहा था, मतलब पहली बॉल से दिख रहा था कि वो धो के पड़ेगा आज। यार आल्सो द इमोशन विराट कोहली कैरीज, ठीक है, वो पूरे देश के आज से वो दिख रहा था आज। मतलब जो नॉर्मल प्लेयर सेंचुरी होने पे जो एनर्जी दिखाते हैं ना, वो चौका मारने पे वो एनर्जी दिखा रहा था, जैसा कि विराट कोहली ने भी बोला कि मैं इतने टाइम से नहीं चल रहा था बट फैंस का सपोर्ट इतना ज्यादा था। And he said कि मुझे नहीं लगता इतने टाइम में किसी को इतना सपोर्ट मिला है, बट फैंस दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, किसी भी टीम की बात कर रहे हो आप, पूरा इंडिया चाह रहा था कि दोबारा से कोहली साहब उस फॉर्म में आए, दोबारा से फॉर्म में आए। आई नो शायद से बहुत जल्दी हो रहा है, वो सही, सबसे अच्छी बात है कि सही मौके पे आया है। ये एक नॉकआउट गेम था उनके लिए एंड उन्होंने परफॉर्म किया, और अब देखिए यहाँ से सब कुछ डिपेंड करता है मुंबई और दिल्ली वाले सैटरडे। तब भी मैंने बोला था कि बड़ा मौका है, बड़ा स्टेज है, विराट कोहली को दिखाना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट अबाउट विराट कोहली, आरसीबी की टीम शुरुआत के 7 में से 5 मैच जीती, उसके बाद शुरुआत 7 में से, अब टोटल स्थिति है कि वो 16 पॉइंट पर। आज के मैच में उनके जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे डुप्लेसिस, चाहे मैक्सवेल, चाहे विराट कोहली, चाहे हेजलवुड, चाहे हसरंगा, ये सारे चले, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, गुजरात की टीम जितना अच्छा परफॉर्म, फील्डिंग में भी, फील्डिंग में भी यार, मतलब वो जो पहला कैच मैक्सवेल ने दिया है, मतलब मैक्सवेल ने सेट कर दी थी पहले कैच के बाद ही वो टोन की आज मैच हमने ही जीतना है, हम घर से सोच के तो आप कुछ भी कर लो गुजरात वालों, आज तो हम आपको मैच नहीं लेके जाएंगे। एक थोड़ी सी बहुत अच्छा दुख की खबर जो है वो ये है कि पंजाब और हैदराबाद, इन लोगों के ऑफिशियली चांसेस खत्म हो गए हैं प्लेऑफ्स में जाने के,
सो जो टीम अब लड़ रही है प्लेऑफ्स की रेस में, गुजरात ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, लखनऊ ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, इट्स नाउ बिटवीन दिल्ली आरसीबी एंड राजस्थान. राजस्थान भी आप ऑलमोस्ट समझो कि वो क्वालिफाइड ही है, बट दिल्ली आरसीबी राजस्थान ये इनमें से दो टीमें होंगी. तो देखिए अब कल का मैच जो है राजस्थान वो वर्सेस चेन्नई, अगर राजस्थान जीत जाती है तो वो 100% मतलब ऑफिशियली क्वालिफाइड है, अदरवाइज भी वो क्वालिफाइड. तो राजस्थान वैसे भी क्वालिफाइड है. हाँ ये दो अंक अगर जीत जाते हैं फिर वो मतलब नंबर टू पे आ जाएंगे, जिसमें उन्हें एक और मौका तो लखनऊ से भी ऊपर. तो अच्छे रन रेट से जीतते हैं तो बहुत ही बढ़िया जी, फिर तो वो उनके पास एक चांस और मिल जाएगा खेलने का, आज वो फायदा हो जाएगा. आज के मैच में विराट कोहली ने 7000 रन भी पूरे किए अपने आरसीबी टीम के लिए. तो इतने सालों से जब से आरसीबी शुरू हुई है तब से लेके अब तक 2022 तक 15 सीजन आईपीएल पे हो गए हैं. विराट कोहली इज दी ओनली प्लेयर जिन्होंने एपी फ्रेंचाइज के साथ जो जुड़े रहे हैं. विराट कोहली इज दी ओनली प्लेयर जिसने एपी सीजन मिस नहीं किया है. डर रहा था कि शायद इस सीजन में ऐसी स्थिति ना आ जाए कि उन्हें ड्रॉप करना पड़े, बट मतलब सल्यूट टू द मैनेजमेंट और द कप्तान, कप्तानी छोड़ने के बाद भी उन्हें एज अ प्लेयर पूरा बैक किया गया कि नहीं आप खेलो खेलो खेलो. फैब टू प्रेसेस ने भी जो प्रेजेंटेशन हुई उसमें भी उन्होंने ये बोला कि यार विराट कोहली प्रैक्टिस बहुत टाइम्स कर रहे थे और वो जो इमोशन अपने साथ कैरी करके चलते हैं वो एक टीम को पूरा मोरल सपोर्ट भी देता है. और हमें पता था कि समवेयर डाउन द लाइन ये इनिंग्स आनी ही आनी है. हमें भी पता था राहुल भाई, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, हमने विराट कोहली के बारे में बोल दिया. तो देखिए वो तो पता था, पर जैसे कि शिखर ने भी बताया था कि वो बड़ी जब मैच होता है ना तब वो बड़ी नहीं गाती और वो आ गई. अब देखिए जी हम इंतजार सब यही कर रहे हैं सैटरडे वाले मैच का, क्योंकि देखो आरसीबी ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है. हाँ. अपने पॉइंट्स पूरे करके 16 पॉइंट देखिए ऊपर पहुंचा दिए, चार नंबर पे. मेरी गट फीलिंग जो है वो पता नहीं क्यों, मतलब यू माइट से कि मैं बड़ा नेगेटिव इंसान हूं, बट मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि शायद से दिल्ली क्वालिफाई कर जाएगी, दिल्ली वो मैच जीत जाएगी मुंबई के अगेंस्ट और आरसीबी नहीं कर पाएगी क्वालिफाई. क्योंकि आरसीबी ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैच जीत गए 16 पॉइंट आगे. अब देखो अब गेम है कि भाई उनके ऊपर है सब कुछ डिपेंड. अब दिल्ली जीतेगी तो फिर ऊपर आ जाएगी, नहीं जीतेगी आरसीबी का फिर तो पक्का है. फिर आरसीबी का सर इतने सारे स्टैट्स की बात होती है ना कि इस साल में इस प्लेयर ने इतने मारे, इस सीजन में ये टीम ऐसे परफॉर्म कर रही है, ये पर्पल कैप ये ऑरेंज कैप, इस सब में कंसिस्टेंट चीज 15 सालों से आरसीबी के साथ जो रही है वो कहीं आपको स्टैट्स में नहीं दिखेगी. वो है किस्मत. आरसीबी किस्मत बड़ी खराब है, ठीक है, और अभी भी किस्मत के भरोसे ही है वो अगर देखा जाए, जो बेसिकली दिल्ली है किस्मत का नाम. तो शायद मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्यों ड्रग सीरियन जैसे कह रही है कि दिल्ली क्वालिफाई कर जाएगी और आरसीबी फिर वो टीम होगी जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे खड़ी होगी. उनमें से एक इंसान तो कहता हूँ जी मे द बेस्ट टीम विन. और चलो इसी के साथ अब आप क्योंकि आरसीबी के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस डिस्कशन को भी खत्म करेंगे. हाँ. इसलिए मुझे टोकना पड़ेगा बीच में. yes. अगले मैच की तरफ चलते हैं जो कि आज अब आज ही खेला जाएगा. हाँ. तो अब खेलेगा आज के दिन खेला जाएगा बिटवीन राजस्थान एंड चेन्नई. चेन्नई को इसमें कुछ है नहीं जीतने के लिए, अगर जीत भी जाते हैं कोई फायदा नहीं होना. राजस्थान जीती है तो नंबर टू पे आ जाएगी और उन्हें एक चांस और मिल सकता है खेलने के लिए, तो वो जैसे एलिमिनेटर और क्वालिफायर कहते हैं. तो चलिए जी बात करते हैं दोनों टीमों की. तो आपको किसके प्रबल चांसेस लग रहे हैं आज जीतने? सर मुझे, मैं जेन्युइनली चाह रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स जीते और चेन्नई में भी धोनी स्पेशली, क्योंकि शायद हमें नहीं पता, क्योंकि चेन्नई का ये लीग मैच का लास्ट है तो शायद हमें नहीं पता कि धोनी को हम ऑफिशियली आखिरी बार फील्ड पे देख रहे हूँ. अगले सीजन वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं कोई आइडिया नहीं है. दुनिया में और जो भी लीग्स होती हैं धोनी उसमें भी नहीं दिखते हैं. इंटरनेशनल से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं. तो शायद धोनी का ये SCSK कैप्टन SCSK प्लेयर आखिरी मैच में शायद हमें आखिरी बार फील्ड पे देखें. तो उस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीते और उसमें भी धोनी अच्छा परफॉर्म करें. बट ये मेरी चाहत है, चाहते हमेशा पूरी होती नहीं है. तो नहीं, आपका ये पॉइंट ठीक है, पॉइंट टेकन. क्योंकि देखिए अगर राजस्थान जीत भी गया तो कोई मतलब है तो क्वालिफाइड ही है ऑलरेडी. तो मुझे भी, मैं भी चलो मैं कहता हूँ ना भी जीते पर धोनी एक अच्छे क्लास में जाके खत्म करे, एक फिनिशिंग शॉट मारे, अगर फर्स्ट इनिंग में खेलते हैं छक्का मार के इनिंग खत्म करें, तो ये हम देखना चाहेंगे उनकी अगर ये लास्ट इनिंग होती है. चेन्नई और राजस्थान का जो हेड टू हेड है उसमें भी चेन्नई ही अपर हैंड पे है.
टोटल 25 मैचेस हुए जिसमें से 15 चेन्नई जीती है और 10 राजस्थान जीती है, तो राजस्थान एनीवे 5 मैच पीछे ही चल रही है चेन्नई से हेड टू हेड में, और चेन्नई पिछले कुछ मैचेस में जो फॉर्म दिखाई है उन्होंने दोबारा से फॉर्म वापस पकड़ी है। जडेजा अब टीम में नहीं है, फिर भी चेन्नई की टीम लग रही है कि हाँ यार जीत सकती है, जीत सकती है, जीत सकती है, वो फाइटिंग स्पिरिट वापस आई है चेन्नई की टीम में। राजस्थान बटलर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और बटलर जो शुरुआत के मैचेस में फॉर्म थी, बटलर की अब वो फॉर्म नहीं दिख रही है। मतलब वो एक कंपैरिजन भी चल रहा था ना कि विराट कोहली 73 रन मारे थे और क्या बटलर तोड़ पाएगा, तो वो उम्मीद अब हारती हुई दिख रही है कि बटलर भी उतना नहीं मार रहे हैं जितना उनसे एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब है 50-50 चांसेस हैं, ये भी हो सकता है कि वो जीत जाए, राजस्थान चेन्नई के भी पूरे चांसेस है। तो ऐसा करते हैं फिर टीम 11 बना लेते हैं और हम अपना जीत का वो जो हर बार सगन है उसे पूरा करते हैं। आपने टीम 11 बनाई योगी शिखर, सो प्लीज गो अहेड। टीम 11 फैंटेसी टीम 11 आज की जो है वो है कि विकेट कीपर्स हमने लिए हैं संजू सैमसन, एमएस धोनी और जॉस बटलर, ये तीनों प्लेयर्स फॉर्म में हैं, तीनों प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैट्समैन हमने दिए हैं यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे एंड देवदत्त पडिक्कल। अब ना इस टीम में डेविन कॉनवे है ना ऋतुराज गायकवाड़ है, तो अगर आपको ऑप्शनल दूसरी टीम बनानी है तो इन दोनों प्लेयर्स को भी रख सकते हो। ऑलराउंडर्स हमने दिए हैं रविचंद्रन अश्विन एंड मोइन अली, एंड बॉलर्स युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा एंड मुकेश चौधरी। इस टीम में से तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ड्रॉप होगा, बट चेन्नई की टीम क्योंकि उनका आखिरी मैच है, वो फ्यूचर के लिए किसी को एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो वो किसी बंदे को बाहर और किसी बंदे को अंदर कर सकते हैं, वो उनके पास ऑफकोर्स जब नथिंग टू लूज है तो उन्हें वैसे ही खेलना चाहिए। तो पाजी आज का ये थोड़े टीम 11 मैच की बातें हमने कर दी, विराट कोहली के लिए हम ट्रिकबाजी का बाजीगर क्या है जी आज का सवाल। आपको जो बहुत खुश हैं आज जितने भी फैंस हैं उनके लिए क्वेश्चन है और खुशी कराएंगे आपको। तो इस आईपीएल में, इस सीजन में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स डाली हैं टिल दिस मैच, आज रात तक, कल का मैच मत काउंट करने के बाद आरसीबी वर्सेस गुजरात बढ़ जाए। तो मतलब ये वाला मैच भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, तो उसको मिला के लखनऊ सॉरी राजस्थान वाला मत मिलाइएगा अभी आज तक। कौन सा ऐसा बॉलर जिसने सबसे ज्यादा इस सीजन में डॉट बॉल्स डाली है, मैं आपको बता दूं उस बंदे ने 140 डॉट बॉल्स डाली है इस सीजन में। ओ भाई साहब, मतलब 140 स्टेट्स मैंने कैसे मिस कर दिया कि 140 डॉट बॉल एक सीजन में, बट हाँ मैंने तो मिस कर दिया, बट अगर आपने मिस नहीं किया और आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना, और HT Smartcast PureFM इन दोनों हैंडल्स पे आके जवाब दे देना, राहुल मार्केट 1 शिखर अंडरस्कोर VAR, ये हम दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं। प्लेऑफ्स की रेस यार जेन्युइनली बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और अब हम जो मैच के बारे में बात करेंगे वो चेन्नई और सनराइजर्स का रिव्यू, एंड दिल्ली एंड मुंबई जिसके लिए हम सब एक्साइटेड है उसका प्रिव्यू। तो मिलते हैं जी उस मैच में, तब तक के लिए बाय बाय।